हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बखेले बुलेटिन पूजा के संगे। रीमा माही लोकायुक्त की टीम एक दरकी पुन के घुसखोरन के ऊपर कार्रवाई करी। जोने माही रीवा गुड़हर रेलवे स्टेशन के समूह दबिश दई के सीमांकन के बदला माही किसान राम निवास मिश्रा से 5,000 रुपया के घूस लेत पटवारी नीलम श्रीवास्तव जौन के हल्का अगडाल तहसील हुजूर के पटवारियां ही उनका गिरफ्तार कर ली हबै। बतावा जात हबै कि आरोपी पटवारी नीलम श्रीवास्तव 5,000 रुपया के घूस मांगे रही हैं, जेकर शिकायत किसान लोकायुक्त से कह दे है। सलके घटना के सत्यता के जांच करे के बाद लोकायुक्त की टीम दबिश दई के आरोपी पटवारी का गिरफ्तार कर ली। बुलेटिन के दूसर खबर सुहागी थाना से हवे, जहां के पहाड़ माही एक तरकी पुन के बस पलटी खाए गए। वहां बस के पलटे के बाद बस में बैठ दर्जनन सवार घायल हो गए। घटना के जानकारी लगता है मौका माही पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस से घायलन का अस्पताल पहुंचाई हुए। बतावा जाता है कि बस उत्तर प्रदेश कई जा रही है, जहाँ बस के तेज रफ्तार होने के कारण वो पलटी खाए गए। तो वहां बस में फंसे लोगन का बहरे काट के अस्पताल पहुंचावा गया हवे। देखी सलगा मामला। रीमा जिला माही एक दरकी पुन के चंदन चोर अपने हरकत माए हम अपना बताए थे कि चोराटा थाना के टेकुआ के रहे वाले सुशील सिंह के बगीचा में लगे 3 चंदन के पेड़ का बदमाश काट के भागत रहे। वहीं पुलिस अंदाजा लगाई कि जब बदमाशन का ही केहू के आहट मिली तब उस साइकिल और चंदन दोनों छोड़ के भाग गए। फिलहाल पुलिस सबूत का जुटाए के आरोपी के खोजबीन कर रही है। रीवा माही संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह कहिन के जिला भर में बाढ़ से राहत और बचाव के तैयारी माही जो मीटिंग कीन गई है वह मात्र कागजन में खाना पूर्ति कीन जाती है, जबकि असल माही बरसात नियरे आवा थी तब कागजन में मीटिंग कह के खाली राहत के निर्देश दे दिन जात हम। एक साथ है 1997 के बाढ़ों के जिक्र करी नहीं बे। आइए अपना को सुनाई थे किसान नेता का कह रहे हम। रीवा में बाढ़ रोकने प्रशासन के पास कोई इंतजाम नहीं है। वर्तमान में चुनावी बाढ़ भी चल रही है और बरसात का मौसम भी आने वाला है, और जिस तरह से विगत कई वर्षों से रीवा भीषण बाढ़ की चपेट में आ जाता है, इसके लिए प्रदेश के अंदर बैठी सरकार और प्रशासनिक अमला जिम्मेदार है, क्योंकि जमीन पर कोई काम नहीं किया जाता है। सिर्फ दस्तावेजों तक बाढ़ रोकने के इंतजाम किए जाते हैं, जिसके चलते तमाम प्रत्येक वर्ष घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा 1997 से लगातार बाढ़ त्रासदी से रीवा जूझता रहा, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं, किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह जो बाढ़ सागर परियोजना से जुड़े हुए जिले हैं तमाम, चाहे वो रीवा हो, सतना हो, सीधी हो, सिंगरौली हो, शहडोल हो, ये सारे जिले कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम आएगा तब प्रशासन की मीटिंग होगी और मीटिंग में बचाव कार्य के लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। इसके पहले जमीन पर कोई काम नहीं किया जाता है। तमाम रीवा शहर के अंदर नालियां नहीं है, नालियां जमींदोज हो चुकी हैं। स्टार वाटर प्रोजेक्ट के तहत जो 22 करोड़ के नाले निर्माण होना था वो अधूरे पड़े हुए हैं। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।